हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर चैनल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, मैं यहाँ पर एक फिगर के हेल्प से अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, ये एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है और यहाँ से कुछ दूर पर एक बॉय खड़ा है। ये 1.5 मीटर की हाइट है। इसकी आंखों से और इस बिल्डिंग की टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है और ये बॉय यहाँ से कुछ ही दूर पर चला है। तो ये बॉय यहाँ पर पहुँच गया है। अब यहाँ पर इसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री हो गया है। तो यहाँ से यहाँ तक जहाँ बॉय पहले था और यहाँ पर जब आ गया है, इसकी हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करके बतानी है। तो यहाँ पर देखिए, हमारा बेस कौन सा होगा, बेस हमारा ये होगा जो इस बॉय की आंखों से स्ट्रेट गया है, ये ना कि ये बिल्डिंग के बॉटम पे ये ग्राउंड है, ये बेस नहीं होगा क्योंकि हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन इसकी आंखों से बन रहा है। तो यहाँ पर ये वाला बेस होगा जो इसकी आंखों से स्ट्रेट गया है। तो हम इस फिगर की नेमिंग कर देते हैं। तो ये हो गया ए, इसको नाम दे दिए बी सी डी एंड ई। तो हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम ए बी सी इसको इसके बेस को फाइंड आउट करेंगे ये वाला, उसके बाद हम ए बी डी इस वाले के बेस को फाइंड आउट करेंगे, फिर हम इसके बेस में से इसको माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है बिल्डिंग की हाइट। बिल्डिंग हाइट तो 30 मीटर है लेकिन जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है उसकी आंखों से स्ट्रेट बनना है, तो हमें इतनी बिल्डिंग की हाइट इतनी लेनी है। तो ए बी हमें सिर्फ ए बी लेना है। तो ए बी इज इक्वल टू ए बी ई, हम ए ई में से बी ई को माइनस कर देंगे तो हमारा ए बी आ जाएगा। ए ई क्या है, ए ई हमारी 30 मीटर है और बी ई क्या है, बी ई जो बॉय की हाइट है वो बी ई है, ये है 1.5 मीटर। तो 30 माइनस 1.5 इसको माइनस कर दिए, ये हो गया 28.5 मीटर। इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है डी सी। तो डी सी क्या है, हम बी डी में से बी सी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा डी सी आ जाएगा। यहाँ पर डी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस बी सी, ये हमारी बी डी हो गई और इसमें से हम बी सी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी जो डी सी है वो आ जाएगी। तो सबसे पहले हम इन ट्राइंगल ए बी सी, हम ए बी सी को देख लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, हमने ट्राइंगल ए बी सी लिया है। अब यहाँ पर देखिए, हमें परपेंडिकुलर है वो गिवन है और बेस को फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किस में होता है, वो होता है टेन में। ये देखिए पी अपॉन बी, तो यहाँ पर हमें लिखना है टेन, उसके आगे 60 डिग्री लिखना है, यहाँ पर 60 डिग्री एंगल गिवन है। तो टेन 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ए बी हमारा परपेंडिकुलर है और बी सी हमारा बेस है, तो ए बी अपॉन बी सी लिख दिया। अब टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, टेन 60 की वैल्यू होती है रूट थ्री, तो रूट थ्री इज इक्वल टू 28.5 अपॉन बी सी। अब ए बी की वैल्यू 28.5 है, अभी हमने फाइंड आउट की थी, और अपॉन में बी सी एज इट इज़, बी सी को हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा रूट थ्री बी सी इज इक्वल टू 28.5, हमने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी है। अब यहाँ पर रूट थ्री बी सी है, ये मल्टीप्लाई में हम इसको साइड ले जाएंगे, डिवाइड में हो जाएगा, तो बी सी इज इक्वल टू 28.5 अपॉन रूट थ्री मीटर। तो यहाँ पर हमारी बी सी की वैल्यू है वो 28.5 अपॉन रूट थ्री मीटर आ गई है। अब हम इस वाई ट्राइंगल देख लेते हैं ए बी डी को। तो अब हमें लिखना है इन ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी को देख लें, इसमें भी हमें वही परपेंडिकुलर गिवन है और बेस को फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन होता है टेन में, ये पी अपॉन बी हो गया। तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, ए बी हमारा परपेंडिकुलर है और अब की बार हमें बी डी को फाइंड आउट करना है इस वाई ट्राइंगल को, तो हमने बी डी बेस ले लिया। तो इसके बाद टेन 30 की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन बी डी। यहाँ पर ए बी की वैल्यू हमें 28.5 गिवन है और बी डी को हमें फाइंड आउट करना है, तो ये हमने ऐसे लिख लिया। अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बी डी इज इक्वल टू 28.5 इंटू रूट थ्री, हमने बी डी की 1 से मल्टीप्लाई करी तो बी डी रह जाएगा, और 28.5 की रूट थ्री से मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया 28.5 इंटू रूट थ्री। तो यहाँ पर हमारी बी डी की वैल्यू है वो 28.5 रूट थ्री आ गई है। अब यहाँ पर देखिए, डी सी को फाइंड आउट करने के लिए हमें बी डी में से बी सी को सब्ट्रैक्ट करना था, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस बी सी, ये हो गया। अब हम इसमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो बी डी की वैल्यू क्या थी, बी डी की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया है 28.5 इंटू रूट थ्री है, तो ये हमने लिख दिया 28.5 इंटू रूट थ्री माइनस बी सी को हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो बी सी की वैल्यू भी अभी हमने फाइंड आउट कर ली है 28.5 अपॉन रूट थ्री, तो यहाँ हम इसे पुट करते हैं माइनस 28.5 अपॉन रूट थ्री, तो यहाँ पर हमने 1 कर दिया और इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आ गया रूट, तो ये 1/√3 या रूट थ्री, और रूट थ्री को हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28.5 इंटू थ्री, ये रूट थ्री की रूट थ्री से मल्टीप्लाई होगी तो थ्री रह गया, माइनस रूट थ्री 1/√3 और 1/28.5, तो ये पूरी वैल्यू हो गई 28.5 इंटू थ्री माइनस 28.5 अपॉन रूट थ्री। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं,
तो ये हो जाएगा 85.5 माइनस 28.5 अपॉन रूट थ्री। यहाँ पर हमने 28.5 की 3 से मल्टीप्लाई कर दी तो 85.5 आ गया, और यहाँ पर माइनस 28.5 अपॉन रूट थ्री एज इट इज़। तो अब हम 85.5 में से 28.5 को सबट्रैक्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 57। तो 57 अपॉन रूट थ्री, तो ये हो गया हमारा आंसर 57 अपॉन रूट थ्री। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में रूट है तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया 57 अपॉन रूट थ्री इंटू रूट थ्री अपॉन रूट थ्री। तो हम 57 की रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 57 रूट थ्री अपॉन में रूट थ्री की रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 57 रूट थ्री अपॉन 3। तो अब यहाँ 57 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 19 टाइम्स पर, तो 3 19 से 57, तो ये हो गया 19 रूट थ्री। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सिक्स का जो आंसर है वो 19 रूट थ्री आ गया है। तो अब आपको सॉल्यूशन लिख देना है, द डिस्टेंस वॉक्ड बाय अ बॉय टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज 19 रूट थ्री मीटर।